आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी वेबसाइट को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी वेबसाइट को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूं। लेट्स सपोज आपके सामने एक ऐसा केस आता है कि आपका क्लाइंट है या लेट्स से उसकी डोमेन है xyz, राइट। अब वो चाह रहा है कि जो मेरा डोमेन है xyz, इसके ऊपर जो मेरी वेबसाइट है, मैंने एक नई डोमेन बाय की है, वो सेम एज इट इज वेबसाइट मेरी दूसरी डोमेन पे भी आ जाए, जो कि है abc, राइट। तो xyz हमारे पास बनी हुई वेबसाइट है और जो है हमारे पास abc वेबसाइट है, जो वो वाली हमारे पास बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट है। अब हमने xyz को एज इट इज उठा के abc के ऊपर लेके जाना है, और अब इसके लिए हम सारी वेबसाइट को दोबारा से तो बनाने नहीं बैठेंगे, तो किस तरह से हम माइग्रेट करेंगे xyz को abc पे एज इट इज, राइट। तो इसके लिए चलें स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसको करना है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक वेबसाइट है mailcanvas.com, और यहाँ पे देखें इसका कुछ इस तरह से इंटरफेस है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे इस तरह से हैं, और यहाँ पे ये सारे प्लगइन्स इसके अंदर हैं, राइट। ऑन द अदर एंड हमारे पास यहाँ पे है MyEndPro, और यहाँ पे देखें इसकी लुक कुछ इस तरह से, जो कि बिल्कुल बेसिक है। इसके अंदर मैं जाता हूँ प्लगइन्स के अंदर, प्लगइन्स के अंदर भी कोई ज़्यादा प्लगइन्स हैं ही नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक है, राइट, ये बिल्कुल फ्रेश है। तो अब हमने इस वेबसाइट को उठा के, इस वाली वेबसाइट को उठा के हमने इसके ऊपर लेके जाना है, ओके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चलेंगे प्लगइन्स के अंदर और यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड न्यू के ऊपर। तो सिंपल ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक प्लगइन आता है, जो कि है ऑल इन वन WP माइग्रेशन, ओके। हम इस पर सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इस तरह के काफी सारे प्लगइन्स हैं, लेकिन रिलायबल यही लगता है मुझे, तो मैं इसी को यूज करता हूँ। तो सिंपल आपने इसको इंस्टॉलर एक्टिवेट कर दिया। इंस्टॉलर एक्टिवेट करने के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, इस प्लगइन्स को इस पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। तो सिंपल जैसे ही हम एक्सपोर्ट पे आएंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, तो ये इसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा, और इसकी जितनी भी फाइल्स हैं वो हमें एक्सपोर्ट करके हम उनको डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और यही प्लगइन हमें इंस्टॉल करना है दूसरी वेबसाइट पर, वहाँ पे इसका एक्सपोर्टेड डाटा इम्पोर्ट कर देंगे, राइट। तो चलें चलते हैं, तब तक ये इसकी जो है डिटेल्स फेच कर रहा है इसको, चले हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहीं पे इसको डाउनलोड करके, फिर हम वहाँ पे वो इंस्टॉल कर लेंगे, ओके। 245 MB का जो है ये हमारे पास इसका बैकअप है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। सिंपल मैंने इस पर क्लिक किया तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। यहाँ पे देखें तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, ओके। तो इस पे हम चलते हैं वापस यहाँ पे, ये MyEndPro, इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, सेम प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ, जिसका नाम है ऑल इन वन WP माइग्रेशन। सिंपल हमने इसको इंस्टॉल करने लेना है और उसी तरह से एक्टिवेट कर लेना है। अब क्या करना है, हमने सिंपल यहाँ पे आ जाना है ऑल इन वन WP माइग्रेशन, और यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट करने की बजाय इंपोर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें वो वाली वेबसाइट चाहिए। तो मैं इस पे इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा, इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद सिंपल यहां से मैं ये फाइल चूज करूंगा। अभी ये हमारे पास जो फाइल है वो डाउनलोड हो रही है, सिंपल हमने यहां पे इस पे क्लिक करना है और वो फाइल चूज करने के बाद सिंपल इंपोर्ट कर देना है। जैसे हम फाइल चूज करेंगे, इंपोर्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और हमारी सेम एज इट इज वेबसाइट इस वाली वेबसाइट पे, इस वाली डोमेन पे शिफ्ट हो जाएगी। इवन आपको एक सिंगल टच करने की भी जरूरत नहीं है, सारी चीजें एज इट इज जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी।
तो आपको किसी भी तरह का जो है चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सारे प्लगइन, सारी सेटिंग, सारा कुछ इसके ऊपर आ जाएगा और इस वाली वेबसाइट की जो सेटिंग्स हैं अब वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, आप उनको रिस्टोर नहीं कर पाएंगे, राइट। तो अगर आपने ये वाली सेटिंग्स भी रखनी है तो इसका भी एक बैकअप ले लें, आप डाउनलोड कर लें इसको। तो अभी मैं इसको यहीं पे क्लोज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी सारा टाइम ले रहा है डाउनलोड होने में, ऑब्वियसली बात है फिर इम्पोर्ट होने में भी टाइम लेगा। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको मज़ीद कोई भी प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा, या कम्युनिटी के अंदर जाके पोस्ट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।